नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू क्यूरियसरी बात करेंगे गाइज आज हम फुटबॉल क्रांति प्रोग्राम के बारे में जी हाँ गाइज़ एक ऐसा प्रोग्राम कि जिन्होंने भाई ट्राइबल बच्चों के लिए भाई यहाँ पे ग्रास रूट पे यहाँ पे फुटबॉल के दरवाजे खोल दिए और एक काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम कि जिन्होंने अब बड़ा अचीवमेंट अब हासिल करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या है पूरा प्रोग्राम कहाँ पे लागू हुआ है और किस तरह से जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हेल्प कर रहा है क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल में और इंडियन फुटबॉल फैंस और एक्सपर्ट की ये काफ़ी सालों से ये ओपिनियन रहा है कि पूरे इंडिया में जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे फुटबॉल के साथ जोड़ा जाए क्योंकि उनके पास वो, एक एक है। है कि वो से फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं स्पीड होती है सारे उनके पास एक, एक, एक फुटबॉल में सक्सेसफुल बना सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ईस्टर्न एमपी है प्रदेश के तीन डिस्ट्रिक्ट उमरिया और उसके अलावा अनुपुर इन तीन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है कि जहाँ पे गोंड एंड बेगू ट्राइबल्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे इस प्रोग्राम को दो साल पहले चालू किया है वहाँ के जो क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है राजीव शर्मा सर कि जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने ये लागू किया है और उसका अब उनको फ्रूट मिल रहा है उनका उसको अब क्या बोलते हैं अचीवमेंट मिल रहा है कि इस आने वाली ट्वेंटी सेवन्थ जून को ये जो पूरा प्रोग्राम है इसी के चलते यहाँ पे जो सौ क्या बोलते हैं कि टैलेंटेड बच्चे हैं promising talent. वो अब यहाँ पे ट्वेंटी जून को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब उनको मिलने वाले हैं और दो घंटे उनके साथ बिताने वाले हैं वहीं पर तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है इस पूरे क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम का और एक काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है अगर इस प्रोग्राम का आइडिया देखे राजीव शर्मा सर को तो ये पूरा ब्रेन चाइल्ड है अगर आप देखें कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में वे भी सिमिलर सा ही ये प्रोग्राम लागू किया गया था और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रास रूट में हेल्प मिली थी तो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे लागू की है क्या है इस पूरा प्रोग्राम इसके बारे में जानते हैं तो जो ये पूरा प्रोग्राम है ये थ्री टायर सिस्टम है जी हाँ गई थ्री टायर सिस्टम इन ग्रास रूट लेवल और ये तीन डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया दो साल पहले कि यहाँ पे एक हज़ार ग्राम पंचायत वन थाउजेंड वीज विलेज, विलेज पंचायत में इन्होंने यहाँ पे वन था, वन थाउजेंड क्लो क्या बोलते हैं क्लब्स ओपन किए विद दी हेल्प ऑफ लोकल गवर्नमेंट और उसके अलावा जो क्या बोलते हैं कि स्टेट की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसके चलते इन्होंने एक एक हज़ार गाँव में एक हज़ार क्लब चालू किए इसको नाम दिया टीयर वन सिस्टम कि जहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाए और जो मेन एम है इस पूरे प्रोग्राम का वो है कि जो ये ट्राइबल के बच्चे हैं वो एक अपने करियर में क्या बोलते कि गलत आदतों की ओर ना जाए और एक स्पोर्ट्स को अपना एक क्या बोलते हैं कि करियर चूज़ करें ताकि उनको अपनी जो लाइफ स्टाइल है आगे आने वाले टाइम में अपना जो डिपेंडेंसी है वो किसी और पे ना रह के वो खुद अपने आप पैसे कमा सकें और सिर्फ फुटबॉल ही क्यों उसका भी एक रीज़न है क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है कि जहाँ पर आपको मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट मिलता है क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए एक बॉल और एक पिच उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और आप आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं तो इसीलिए फुटबॉल को एज ए स्पोर्ट्स चुना गया कि इन बच्चों को इसके साथ जोड़ा जाए और अभी तक 800 किड्स को इन इन लोगों ने इस इस पूरे प्रोग्राम के चलते जोड़ लिया है तो टीयर वन में मैंने जैसे बताया कि एक हज़ार गाँव में हर एक ग्राम पंचायत में विलेज पंचायत में इन्होंने एक क्लब खोल दिया और वहाँ पर बच्चों को जोड़ा उसके बाद जो सेकंड टीयर आता है वहाँ पर इन्होंने हेल्प ली ए एंड रिलायंस फाउंडेशन की रिलायंस फाउंडेशन ने को बोला कि आप हमको क्वालिटी कोचिज प्रोवाइड कीजिए और जो सेकंड टीयर रखा गया वो रखा गया वहां की गवर्नमेंट स्कूल्स को जी गैस गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे खेलेंगे उसके बाद उनको वहाँ पे टीय टू सिस्टम दिया गया और वहाँ पे हेल्प मिलेगी इनको प्रोफेशनल कोचेस फ्रॉम एफ एंड रिलायंस फाउंडेशन और जो थर्ड टीयर रखा गया वो रखा गया यहाँ पे साई दारा ऑपरेटेड बिचारपुर विलेज में एक एकेडमी बनाई गई है स्पेशल इन तीन डिस्ट्रिक्ट के लिए कि जहाँ पे भाई जो ये टीयर वन एंड टीयर टू से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्काउट किया जाएगा और उनको स्काउट करके इस एकेडमी में डाला जाएगा और उसका उनको फर्दर आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोफेशनल कोचिंग ट्रेनिंग सारी चीज़ें होगी तो इस तरह से ये पूरा थ्री टायर सिस्टम ग्रास रूट लेवल पर यहां पे इन तीन डिस्ट्रिक्ट में एक हजार गांव में लागू किया गया है और दो साल में इन्होंने यहां पे कि एट हंड्रेड बच्चे यहाँ से निकाले हैं और उसमें से सौ बच्चे मिलने वाले हैं लास्ट ईयर की बात करें तो इन्होंने भाई एट्टी फाइव कॉम्पिटिटन कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट वहाँ पे खेले हैं जिसमें इंटर विलेजेस टूर्नामेंट इंटर ब्लॉक टूर्नामेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट और दो यहाँ पे टू स्टेट लेवल क्या बोलते हैं टूर्नामेंट भी खेले है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने तो इस तरह से इस पूरे आप बोल सकते हैं कि प्रोग्राम को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग कि भाई हम मतलब हम सबको पता है कि जिस तरह से ग्रास रूट ही मेन आपका क्या बोलते हैं कि फाउंडेशन स्टोन है कि वहाँ से आपको टैलेंट्स मिलेंगे तो इट्स इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग टू सी द प्रोग्राम लाइक दिस एंड लेट्स होप कि और भी स्टेट्स और भी गवर्नमेंट्स और भी जो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो इस पूरे प्रोग्राम से इंस्पायर होकर अपने अपने विलेज अपने अपने क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट अपने अपने स्टेट्स में इस तरह के प्रोग्राम लागू करें और डेफिनेटली तब हम क्योंकि एक एक जो एक रहता है कि हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो मतलब ट्राइबल एरियाज़ हैं उन सब में तो डेफिनेटली इस तरह के प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये फुटबॉल क्रांति मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन लाया है जिस तरह से आप देखिए कि एम जैसे डिस्ट्रिक्ट में कि जहाँ जा, पे मतलब इतना ज़्यादा पोटेंशल है बिहार यूपी पी एम राजस्थान गुजरात ये ऐसे ऐसे बड़े स्टेट हैं कि जहाँ पर फुटबॉल अभी भी उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फ्रंट uh, सीट पे आया नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे स्टेटों में कि इस तरह के प्रोग्राम लाए जाए कि जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी भी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है तो वहाँ पे भी झारखंड तो इस इस तरह के स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम चालू करके यहाँ पे जो देखिए सिंपल सा है इस तरह के प्रोग्राम को लागू करने के लिए आपको चाहिए लोकल गवर्नमेंट की हेल्प लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको एक यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा सिर्फ ए या फिर कोई फाउंडेशन से नहीं होगा तो ये वाला सीन है तो लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया के और भी ज़्यादा स्टेट्स में इस तरह के हमें प्रोग्राम देखने को मिले ताकि और भी ज़्यादा फुटबॉलिंग टैलेंट्स फुटबॉलिंग एक, एक एक क्या बोलते हैं कि पावर हाउस हम एशिया में बन के उभरे तो लेट मी नो गाइज आपके क्या थाट्स है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में एंड लेट मी नो योर फीडबैक अबाउट दी होल इंडियन फुटबॉल इंप्रूवमेंट अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी जय हिंद जय भारत